देखिए, अगर हम लोग चेस्ट लगाते हैं या नीज़ का वर्कआउट करते हैं, क्वाड्स करते हैं, तो जिम के अंदर या कोई भी वर्कआउट के अंदर सबसे बड़ी जो इंजरी के चांसेस रहते हैं वो शोल्डर रहता है, दूसरा कमर और तीसरा आपका घुटना। अब सवाल आता है कि इन इंजरियों में क्या करा जाए? क्या आपको खुद हीलिंग करनी चाहिए? क्या आपको वेट करना चाहिए या किसी इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्या खुद को एक्सरे कराना चाहिए? तो जवाब है, एक दिन आप वेट करें। अगर आपने आज कोई वर्कआउट किया है, आपको इंजरी है, आपको दर्द है, तो आप कल वेट करेंगे और परसों आप एक क्लिनिकल थेरेपिस्ट से या फिजियोथेरेपिस्ट से बात करेंगे। वो आपको सलाह देगा कि उस एरिया पे क्या हुआ है, कोई एक्सरे की ज़रूरत है, कोई MRI की ज़रूरत है, या क्लिनिकल डायग्नोसिस के थ्रू 99% वैसे भी पता लग जाता है, एक्सरे MRI की जरूरत नहीं पड़ती है। ज़्यादातर इंजरी जो होती हैं वो बेंच प्रेस में होती हैं और चेस्ट प्रेस में होती हैं, जिसके अंदर आपका जो रोटेटर कफ है, खासकर जो सुपरा स्पिनेटस मसल होती है जो सामने की तरफ, उसके अंदर टेंडिनोसिस हो जाती है। ज़्यादातर लोग गलती ये कर लेते हैं कि उसको समझते हैं कि मसल सोरनेस है, तो अगले दिन फिर से वो वर्कआउट करते हैं। और जाहिर सी बात है, सबका जो फेवरेट वर्कआउट जो रहता है वो चेस्ट ही रहता है। अगले दिन वर्कआउट करने के बाद स्वेलिंग और बढ़ जाती है। चूंकि हमारे एड्रेनलिन रश रहता है बॉडी के अंदर, हम थोड़ा पंप रहते हैं, हमारी मसल थोड़ी पंप रहती है और अपने आप को हम मोटिवेटेड फील करते हैं। उस मोटिवेशन के अंदर हम अपने आप को रेंडर एस्टिमेट करके रखते हैं और तीसरे चौथे दिन फिर से वर्कआउट करते हैं। तो टीयर जो है वो पहले दिन बढ़ा, दूसरे वर्कआउट में बढ़ा, तीसरे वर्कआउट में बढ़ा, चौथे वर्कआउट में वो इंजरी मेजर हो जाएगी। तो उस सूरत में फिजियोथेरेपिस्ट आपकी हेल्प करेगा। कुछ भी खुद से ना करें, सिर्फ आइस के अलावा कोई भी नुस्खा यूट्यूब पे देख के, कहीं पे भी देख के ट्राई ना करें, क्योंकि अगर आप इसको हल्के में लेंगे तो इट बिकम ए कंपनसेटरी इफेक्ट। कंपनसेटरी इफेक्ट में ये होगा कि आपकी मसल जो है सुपरा स्पिनेटस के साथ में बाइसेप्स भी इंजरी करना स्टार्ट कर देगी और नेक के मसल्स भी इंजरी करना स्टार्ट कर देगी। तो उसके लिए ये है कि आप क्लिनिकल थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें, खुद से कुछ भी ना करें।